हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम जीके ब्रह्मास्त्र 100 क्वेश्चंस टेस्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले जीके ब्रह्मास्त्र 100 क्वेश्चन टेस्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन के साथ साथ मैं हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। लेंस, लेंस जो रहता है, लेंस में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कोई लेंस है, चश्मा वगैरह है, उसमें दो लेंस रहते हैं। तो यहाँ पर डाई, डाई मीन्स होता है दो, ठीक है, डाई। तो इस प्रकार से आप, ठीक है, याद रख सकते हैं। और देखिए बाट किसकी इकाई होती है? बाट होती है शक्ति की। और देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? ये दूरी की होती है, दूरी की होती है। और कैंडेला किसकी इकाई होती है? यहाँ पे ज्योति तीव्रता की, ठीक है, ये ज्योति, ज्योति तीव्रता की होती है। तो इस प्रकार इनको याद रखना आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन, देखिए ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, ये अपन ने हाल देखा, कैंडेला होती है। ज्योति फ्लक्स, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता की क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसीबेल, ठीक है, डेसी बेल होती है। और देखिए ऊर्जा की क्या होती है? ऊर्जा की होती है जूल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है? तो देखिए मैं थोड़ा इससे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। देखो सदिश राशि वो होती है जिसमें वा या बा होता है, वे सदिश राशि कहलाती हैं, ठीक है। और लेकिन दो अपवाद हैं, विद्युत धारा, ठीक है, और दाब। इनमें वा और वा व बा होने के बाद भी अदिश राशि हैं, ठीक है। इन दोनों को ध्यान में रखना है और सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए सदिश राशि और अदिश राशि में हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों को ध्यान रख लो आप। कौन को? एक तो विद्युत धारा को और दाब को। अब इनमें क्या है? बा है, ठीक है। तो बस इनको दोनों को ध्यान में रखो कि विद्युत धारा और दाब अदिश राशि होती है। इसके अलावा आपको किसी में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो सब याद हो जाएगा। देखिए विस्थापन, विस्थापन में बा है तो ये सदिश राशि है, ठीक है। बल में बा है तो ये सदिश राशि है। आयतन में बा नहीं है, ठीक है, तो ये अदिश राशि हो जाएगी। तो देखो पूछ रहा है कि वो सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पर ये आयतन सदिश राशि नहीं है, ठीक है, और वेग में सदिश राशि है। तो बस इस पे बस दो अपवाद रखना और पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? अब देखो इसमें सदिश राशि बताना है। तो देखिए मैंने अभी हाल बताया था, देखिए विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा ये अदिश राशि है, धारा और दाब, विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है, दाब भी अदिश राशि है। द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान में आधा बा है, तो आधा बा हम कभी काउंट नहीं करते, ठीक है, कि आधा बा है इसमें द्रव्यमान में, तो ये भी अदिश राशि है, ठीक है। ये तीनों क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। वेग है, यहाँ पे देखो वेग में बा वा है तो ये सदिश राशि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब सूरज पे ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से। और देखिए इसमें जब जो ऊर्जा निर्माण होता है, देखिए तो इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, ठीक है, किसमें? हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है जब सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन है, देखिए मतलब इसको साथ में पढ़ेंगे कैड, ठीक है, कैड, तो इसमें कैड की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देखिए कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम 2D, मतलब दो टू डाइमेंशनल और 3 डाइमेंशन, ठीक है, डिजाइन बनाने के लिए कैड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शब्द संक्षेप MICR, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही है आंसर है मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं MICR का? देखिए आपने देखा होगा बैंक में जो चेक वगैरह रहते हैं ना, तो चेक वगैरह में जो कोड लिखा रहता है उसको रीड करने के लिए इसमें MICR का यूज करते हैं, रहता है IFSC,
आईएफएससी कोड रहता बैंक में, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, ठीक है, ये यूनिक कोड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशा क्या है, तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशा है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ठीक है, ना तो उत्पन्न की जा सकती ऊर्जा को ना ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो इसका सही आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और देखिए केल्विन में 98 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री पर क्या रहता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए NABARD इसको पढ़ेंगे नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे बी, ठीक है, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक कृषि कुटीर उद्योग व ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करती है, ठीक है, इसमें ये ऋण प्रदान करती है ये बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुख उपनिषद से। देखिए उपनिषद क्या कहलाते हैं, जिस विद्या से ईश्वर के दर्शन या प्राप्ति हो जाए उसको क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए धर्म शास्त्रों में भू स्वराज्य की दर क्या होती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए वगैरह देते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य सेवाओं के बदले वह उपज का 1/6 हिस्सा ले सकते हैं, मतलब ये धर्मशास्त्र कहता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंत का, उज्जैन का प्राचीन नाम है। और देखिए इसके और भी नाम है, क्या क्या है, इस उज्जैनी के नाम से भी जानते हैं और कनक सरंगा के नाम से भी उज्जैन को जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर कहाँ पे है, कुशीनगर है यूपी में और यह एक ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलवन या कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर बाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। देखिए कंबोडिया में जो अंकुर बाट मंदिर है इसमें विष्णु भगवान की प्रतिमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षला विश्वविद्यालय स्थित था, ठीक है, अब पाकिस्तान में है, ठीक है, तक्षला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने, ठीक है, इसका ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने प्रथम में 757 से 783 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर सी है, इल्तुतमिश। और देखिए इल्तुतमिश कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई कितनी कितनी है, 72.5 मीटर है, ठीक है, या फुट में अगर बात करें तो 237.86 फिट है, ठीक है। और देखिए जो कुतुब मीनार का वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम है विष्णु स्तंभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नाटशास्त्र की रचना किसने की है, ठीक है, तो नाटशास्त्र की रचना की है भरत मुनि ने, ठीक है, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विक्रम संवत प्रारंभ कब से हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
57 सी, इसका आंसर सी है, 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और देखिए एक और है यहाँ पे सक्त, ठीक है, सक्त संवत, इसका प्रारंभ कब से हुआ है, इसका प्रारंभ हुआ है 78 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बारार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ठीक है, अकबर के आदेश पर बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, इसके बाद डच आए थे। ठीक है, डच आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर है ए, 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विनोबा भावे ने किया था। और देखिए ये कौन सा, ये देखिए ये क्या है, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, और ये कौन थे, वो विनोबा भावे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो किस में निहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति में। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद, तो इसमें देखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधिकारियों के लिए इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आयु होना चाहिए, तो देखा सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, और प्रधानमंत्री प्रधान पीएम बनने के लिए भी 25 वर्ष आयु होना चाहिए, और देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, 30 वर्ष आयु होना चाहिए, और देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए कितना, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कितनी हो जाए होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नर, या उसको बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे बोलते हैं RBI, इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होती है RBI, और देख बैंक क्या करता है, यह भारत की सभी बैंकों का संचालन करता है, और RBI भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक, देखिए और इसकी स्थापना 1 अप्रैल, ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, किसकी, RBI की, और देखिए इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है, और RBI के अभी ऊपर गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975, इसका सही आंसर डी है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुरादाबाद यूपी में, गोरखपुर यूपी में, निवानी हरियाणा, जयपुर राजस्थान में, और देखिए मालदा पश्चिम बंगाल में की गई थी। क्वेश्चन है, देखिए भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुंबई, या शेयर बाजार को क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा मुंबई, मुंबई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको क्या बोलते हैं, BSE। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोना जाइट, जो कि केरल में बहुतायत में मिलता है।
इसके बाद देखिए, टिन जो है, टिन है सबसे अधिक, एकमात्र जो खनिज है वो मिलता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में। और देखिए इसके बाद अभ्रक जो होता है वो, अभ्रक कहाँ पे देखिए, अभ्रक भारत में सबसे अधिक मिलता है। पूरे देश की बात करें तो भारत में सबसे अधिक मिलता है, और अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अभ्रक सबसे अधिक मिलता है। और मैंगनीज कहाँ पे मिलता है, देखिए मैंगनीज सबसे अधिक एमपी में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, एमपी में। ठीक है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। ठीक है, देखिए झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से दो नहरें निकलती हैं। देखिए जैसे पहली नहर है गोरसराय और दूसरी है यहाँ पे मंदर नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ये पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, वर्षा होती है। अब इससे थोड़ा और है, देखिए उत्तर पश्चिम की ओर से चलने वाली चक्रवाती पवन व्यवस्था को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये कब होती है, देखिए जो शीत में नवंबर दिसंबर में, कब होती है, नवंबर दिसंबर में ये वर्षा होती है, जिसे हम माहौट के नाम से, महावट हो गई, ठीक है, गांव में बोलते हैं कि महावट हो गई, नवंबर दिसंबर में जो वर्षा होती है उसे महावट कहते हैं। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, देखिए भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। ठीक है, लेह, लेह कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। और देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ अगर बात की जाए, तो भारत में ही नहीं विश्व में चेरापूंजी मौचीराम में होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, और ये अनुसंधान केंद्र क्या है, इम्पीरियल वन अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इम्पीरियल, इम्पीरियल ठीक है वन अनुसंधान। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खारिफ फसल नहीं है, देखो खारिफ फसल जून जुलाई में बोने वाली फसल खारिफ फसल होती है, और ठीक है रावी की फसल कब होती है, नवंबर दिसंबर में जो बोते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, रावी की फसल बोलते हैं। तो देखिए नहीं है बताना है, तो देखिए मूंगफली खारिफ की फसल है, ठीक है मक्का भी खारिफ की फसल है, कपास भी खारिफ की फसल है, तो ये नहीं है बताना, तो ये सरसों सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, जूट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो देख इसका, देखिए तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे अधिक होती है। और देखिए जूट को क्या बोलते हैं, जूट को बोलते हैं सन। ठीक है, सन बोलते हैं, जो लंबा लंबा होता है, जिससे क्या क्या बनते हैं इससे, ठीक है रस्सी बनाई जाती है, ठीक है रस्सी बनाई जाती है, बोरे बनाई जाती हैं, दरी बनाई जाती हैं, चाद ठीक है तिरपाल वगैरह बनाई जाती हैं। और जूट ये है क्या है, नगद दाम की फसल है, क्या है नगद, नगदी दाम की फसल है, जैसे गन्ना भी नगदी दाम की फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि हो है, ठीक है मतलब गन्ना सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदेश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, और देखिए इसके लिए गन्ने के लिए क्या है, लंबा समय लगता है और वर्षा की आवश्यकता होती है 750 ठीक है मिलीमीटर से 1250 मिलीमीटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, इसका सही आंसर वाराणसी में, और वाराणसी कहाँ पे है, यूपी में है। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष समुद्रम। ठीक है, यह कर्नाटक में है, और कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, कौन, सुभाष समुद्रम विद्युत शक्ति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला नृत्य किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भूमि से। ठीक है, ब्रज भूमि मतलब यूपी से। ठीक है, चरकुला नृत्य। और देखिए इसके बाद मैं और नृत्य भी बताता हूँ आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी में जैसे नौटंकी होती है, ठीक है, नौटंकी नृत्य, रासलीला, रामलीला, पाई डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। सही आंसर है घोष। तबला नहीं बजाते हैं, पन्ना घोष बजाते हैं बांसुरी। ठीक है, क्या बजाते हैं, बांसुरी। ठीक है, और ये देखिए अजमद अली खां ये सरोद बजाते हैं, ये सही है। ठीक है, और देखिए देबू चौधरी ये सितार बजाते हैं, ये भी सही है। अयहूदी मोनू हिल ये वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। सोनू मजुमदार ये क्या है, बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। ठीक है, क्या है, प्रसिद्ध वादक हैं। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया जिनका निधन हो गया थे, मतलब किससे संबंधित थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रवीण बंसी वादक, बंसी मतलब बांसुरी। ठीक है, हरि, हरि मतलब कौन होते हैं, कृष्ण भगवान, मत तो वो क्या बजाते थे, बांसुरी। तो इस प्रकार से आप रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपावली। और दीपावली ना मना कर भी क्या बनाते हैं, दीवारी बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, दीवारी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, असम के दिसपुर, असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। ठीक है, दिसपुर। और दिसपुर के पास गोवा घाटी से 8 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे है ये यूपी के आगरा जिले में, इसे जलालुद्दीन अकबर ने 1569 में, ठीक है, बनवाया था। ठीक है, 1569 में बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर की स्थाई स्मृति को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और देखिए इसकी रैम की क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और देखिए सीडी रोम की क्या होती है, कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामों को। देखिए जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो जो हमारे जो प्रोग्राम रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनको करप्ट कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से इनको ध्यान रखना। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो विंडो देखिए तो ये सॉफ्टवेयर होती है विंडो। जैसे विंडो आपने नाम सुना हो, विंडो 7 डली है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहले सबसे मतलब जो स्टोरेज बताया गया है, ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो टेराबाइट रहता है ना टीबी, सबसे बड़ी मतलब सबसे इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है स्टोर करने की। इसके बाद जीबी है, गीगाबाइट है, इसके बाद मेगाबाइट है, फुल किलोबाइट है। तो इसका ये सही क्रम हो जाएगा। ये घटते क्रम में पूछा है, अगर बढ़ते क्रम में पूछता तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, और ये इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। ये इसकी टीबी की है टेराबाइट, जीबी की है गीगाबाइट, और एमबी की है मेगाबाइट, और केबी की है किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो जैसे हम देखिए गूगल वगैरह की या किसी की भी वेबसाइट खोलते हैं तो पहला पेज खुलता है, ठीक है, गूगल लिखा आता है उस पर, तो उसको हम बोलते हैं होम पेज। ठीक है, देखिए वेबसाइट एक खास व्यक्ति या ऑर्गेनाइजर के निजी वेब पेज का कलेक्शन होती है। ठीक है, किसी वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज से उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को उनके राष्ट्र प्रेम, मृदु स्वभाव एवं विद्वानता के कारण उनको इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप जैसे भी कंप्यूटर खोलोगे ना, तो वहाँ पे देखो कोई भी साइट खोलोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा WWW। ठीक है, WWW HTTP।
पी, ठीक है, इस प्रकार लिखा आता है। तो देखो WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये लिंक दी रहती है, देखिए WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसको W3 या वेब भी बोला जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML भाषा में बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं रहती हैं कंप्यूटर की, ये HTML होती है, ठीक है, HTML होती है। HTML की वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, और भी कंप्यूटर की जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल का मतलब होता है जैसे जैसे व्यक्ति समझ सकते हैं, कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझ पाता, तो इसको कन्वर्ट करके मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं, तभी कंप्यूटर समझ पाता है इन भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित संक्षिप्त रूप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछनीय जंक मेल का वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैम। देखिए स्पैम, स्पैम का संबंध कंप्यूटर और इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर को भेजना स्पैम कहलाता। क्वेश्चन है, देखिए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है, ठीक है, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी जो होती है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही घटक्रम बताना है, कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बाद सबसे कम कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, इसके बाद भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है, इसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, और सबसे कम क्या है, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे अभी है इन ऑप्शनों में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे देखिए जब वर्षा होती है बहुत ज़्यादा तो मिट्टी क्या कट जाती है, तो मिट्टी ना कटे इसके लिए वृक्षारोपण करना पड़ता है। वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष की जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं, और जिससे वर्षा होती है तो मिट्टी की कटने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है, तो इस प्रकार वृक्षों को लगाने से मिट्टी कटती नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दोमट मिट्टी में मिट्टी का क्या क्या मिलता है, मिलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए बालू भी होती है, मृतिका भी होती है, और गाद भी होती है। देखिए तो जो बालू होती है, बालू दोमट मिट्टी में 40% होती है, और देखिए और मृतिका 20% होती है, और देखिए गाद होती है जो, ठीक है, ये 40% होती है। तो मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी मिलती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेडोगोजी, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोगोजी कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी है ऊतकों का अध्ययन करना होता है, ठीक है, ऊतकों, ऊतक रहते हैं ना, उनका अध्ययन करना हिस्ट्रोलॉजी होता है। और हाइड्रोलॉजी क्या होता है, देखिए हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान का अध्ययन करना होता है, ठीक है, जल से जल विज्ञान का अध्ययन करना होता है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ से, ठीक है, टाइगर वुड गोल्फ खेलते हैं, और ये कहाँ से हैं, अमेरिका से हैं, ठीक है, अमेरिका से हैं टाइगर वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 159, 159.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है, ठीक है। लाल बहादुर के शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद कहाँ पे है, ये है अपना आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ओके, ये राजधानी भी है हैदराबाद, ठीक है, आर्थिक राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। तो एजरा, एजरा कप का संबंध है, तो इसका संबंध है पोलो से, ठीक है, पोलो से। और देखिए एक पोलो की एक टीम में 4 खिलाड़ी रहते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, देखिए पोलो ऐसे लिखा है, तो पोलो इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 हैं, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे वाटर पोलो की, तो इसको देखो वाटर पोलो में रहती हैं 7, तो वाटर लिखा और हमने पोलो लिखा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए फुटबॉल में कितने रहते हैं, 11 11 खिलाड़ी रहते हैं, फुटबॉल में कितने रहते हैं, 11, जिसमें क्रिकेट में भी
कितने रहते हैं एक टीम में, 11 खिलाड़ी रहते हैं, तो इसमें इस प्रकार से हॉकी में कितने रहते हैं, देखिए हॉकी में भी 11 रहते हैं, ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में 11 11 खिलाड़ी रहते हैं, और रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रहते हैं, कितने रहते हैं, 15 रहते हैं, सभी सभी खेलों से सबसे ज़्यादा किस में रहते हैं, रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रहते हैं, तो इन इस सबको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सबसे पहले देश था, इसने 1951 में एशियन गेम्स की मेजबानी की थी, तो एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, भारत में दिल्ली में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में हैमिल्टन, हैमिल्टन कहाँ पे है, कनाडा में है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो देखिए भारत में कितनी स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, ठीक है, राज्य तो भारत में 29 राज्य हैं कि नहीं, तो इस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखो टाइगर रहता है वो जंगल में राज करता है, और भारत में अभी राज्य कितने हैं, 29 हैं, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है, एड्स डे मनाया जाता है, क्या, 1 दिसंबर को, और देखिए 31 मई को क्या मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, और 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाही बुलबुल या दूतराज भी बोलते हैं, नहीं, पैरासाइट फ्लाई केचर, ठीक है, तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, और पहाड़ी मैना किसकी है, छत्तीसगढ़ की है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की, ठीक है, राजकीय पक्षी है, और देखिए सारस किसका है, सारस किसका राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, और देखिए 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के अधिनियम 1981 पारित किया था, जिसमें प्रतीक चिन्हों को राजकीय पशु, वृक्ष, फूल, ठीक है, पक्षी आदि की घोषणा की थी, तो देखिए राज्य का जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली है, ठीक है, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है, और राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखम्ब है, राजकीय फल क्या है, आम है, राजकीय नदी क्या है, नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलिया वाला बाग कांड कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरण पादुका, ठीक है, इसको मध्य प्रदेश का जलिया वाला कांड कहा जाता है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य छतरपुर की चरण पादुका नरसंहार को जलिया वाला बाग कहा जाता है, क्योंकि चरण पादुका में 14 जनवरी 1931 को अंग्रेजों के जनरल फिशर ने उस अनाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी, इसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कह दी कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान मंडला व बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है, प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल कितना 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुजरी महल किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिंह ने, ठीक है, ग्वालियर के प्रख्यात राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 के मध्य अपनी प्रेमिका मृगनयनी, जो कि गुर्जर जाति से थी, के लिए ग्वालियर की दुर्ग में एक कलात्मक एवं सुंदर महल बनाया था, जिसे गुजरी महल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम है, ठीक है, ये भारत का सबसे पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है, सही आंसर हो जाएगा घृत कुमारी, ठीक है, घृत कुमारी जिसे ग्वार पाठा या अंग्रेजी में भाषा में इसको एलोवेरा भी कहते हैं, यह एक औषधि पौधा है जिसका निर्माण औषधि निर्माण सुंदर प्रसाधन सब्जी तथा अचार के लिए किया जाता है, यह राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में व्यापक तौर पर उत्पादन किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच पाक जल डमरू मध्य
स्थित है? पाक जल डमरू में, भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? संबंधित है। उसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज से। एन पासेंट सब शतरंज खेल से संबंधित है। एन पासेंट नियम को 15वीं शताब्दी में जोड़ा गया था। यह नियम पादे या पोंस के शुरुआती 2 स्टेप चलने से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आनंद। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। इस सम्मान में एक पदक, सम्मान सहित एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो, ठीक है, ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है, तो ये गेहूं में हो जाती है, करनाल बंट की बीमारी। ठीक है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग ये क्या है, सेब में हो जाता है और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, अनुवांशिकी के जनक है, ग्रेग मंडल अनुवांशिकी के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। काजीरंगा कहाँ पे? असम में है। ठीक है, कहाँ पे? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो देखो नदियों में पानी अगर प्रदूषित हो जाता है तो कैसे पता करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा O2 की घुली हुई मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होगी वह जल उतना ही प्रदूषित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होती है? ठीक है, एसिड रेन या तेजाब वर्षा, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वाहनों और कारखानों से जो निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के वायुमंडल में चले जाती हैं, जब वर्षा होती है तो उस पानी की बूंदों के साथ ये नीचे गिरते हैं, इसको ही तेजाब वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। ठीक है, इसका सही आंसर है, ठीक है, कि डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। और जियोग्राफी किसके अध्ययन को कहा जाता है? भूगोल शास्त्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। ठीक, टेलियोलॉजी किसे कहा जाता है? और देशवाद के अध्ययन को टेलियोलॉजी कहते हैं। किसी क्वेश्चन है, देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, और इसकी खोज हुई थी 1928 में। ठीक है, पहले क्या है, जीवाणु से होने वाले रोगों के उपचार के लिए, ठीक है, कोई दवाई नहीं थी, तो इन्होंने ही एक पेनिसिलिन बनाई थी। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किनको? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सी क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो देखिए सबसे पहले देखिए पुरुष में, देखिए तो पुरुष में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY क्रोमोसोम होते हैं। पुरुष में क्रोमोसोम क्या होते हैं? XY होते हैं। और स्त्री में क्या होते हैं? XX क्रोमोसोम होते हैं। अब इसका सही आंसर है, देखिए सी, पुरुष का Y तथा स्त्री का जब X मिलता है तो यहाँ पे बालक का जन्म होता है, और अगर बालिका का जन्म होता है तो पुरुष का X और स्त्री का X मिलता है तो बालिका का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोजोम का विवरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44A+XO। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 0 हड्डियां होती हैं, कोई हड्डी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाण मछली सबसे विषैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं। देखिए और भी यहाँ पे फैक्ट हैं। देखिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है कौन सी? जबड़े होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं वो जबड़े होते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस होती है। ठीक है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मी मीमर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च।
और देखिए रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो इसका कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, मतलब होता है कैल्शियम। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। तो देखिए हमने जी के ब्रह्मास्त्र 100 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने 100 क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।